जवान आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। 1962 से भी बड़ा धमाका इस बार बॉर्डर पर होने जा रहा है, क्योंकि इस बार बॉर्डर पर भारतीय सेना ने वो जंगी बेड़ा तैयार कर दिया है जिसे चीनियों की फटकर हाथ में आ गई है। यहां साहब चीन सीमा के आसपास गांव खाली कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, चीन सीमा पर गांव खाली कराए जा रहे हैं। सारे जितने गांव हैं सबको वहां से खाली किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। 1962 में जो जंग हुई थी, अब उस जंग से भी कुछ बड़ी जंग होने जा रही है, क्योंकि इस बार का भारत बदला भारत है, इस बार का चीन भी बदला चीन है। आज हिंदुस्तान के ताकत को आंकना सबसे बड़ी भूल है। चलिए मैं पहले पूरी खबर आपको दिखाता हूं। भारत चीन सीमा से लगे गांव खाली होने लगे हैं। ग्रीष्मकालीन प्रवास पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले ग्रामीणों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर तक सीमा से लगे गांव पूरी तरह खाली हो जाएंगे। सीमा के ये प्रहरी अब अगले 6 महीने तक घाटी वाले क्षेत्रों में बने स्थायी घरों में रहेंगे। पिथौरागढ़ और मुन्यासरी और धाराचुला के घाटी वाले क्षेत्रों से हर साल करीब 30 गांव के 6000 से अधिक लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खेती करने के लिए जाते हैं। इस खेती से अधिकांश ग्रामीणों की आजीविका चलती है। प्रवास के दौरान ग्रामीण जम्बू, गंदरावड़ी, छिपी, कूट, काला जैसी जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं। आलू भी यहाँ बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। निचले इलाकों में इनकी बड़ी कीमत मिलती है, इससे भी इनकी आजीविका चलती रहती है। दरअसल प्रवास पर जाने वाले ग्रामीण सेना के असल साथी भी हैं। इनकी मौजूदगी से सेना को बड़ी मदद मिलती है। साल 1962 में भारत चीन विवाद में भी ग्रामीणों ने सेना को बड़ा सहयोग पहुंचाया था। आज भी सेना का सामान ढोने से लेकर कई प्रकार के सहयोग ग्रामीण करते हैं। आप बता दें, जिस प्रकार से यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, युद्ध का माहौल बनता जा रहा है, गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे और आपके सामने शायद खबरें ना आ रही हों, लेकिन गलवान घाटी पेंगोंग तसो में जो झड़प हुई है, वो झड़प कोई मामूली झड़प नहीं हुई है। इस झड़प ने कितना बड़ा रूप ले लिया है, शायद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते होंगे। सेना की पूरी ब्रिगेड, भारतीय सेना के जितने भी घातक हथियार हैं, इस समय LAC के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि राफेल को वायुसेना में शामिल कर लिया गया, उसकी तैनाती भी LAC के आसपास होने जा रही है। उधर सबसे सनसनीखेज खबर चीन से आ रही है। चीन ने पूरे देश की सेना को LAC पर लगा दिया है। चीन ने परमाणु बम्बर से वहाँ पर परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। वहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल से रॉकेट दागे। बहुत कुछ हुआ है बॉर्डर पर। मैं चाहूँगा कि आप भारतीय सेना के सम्मान में कुछ ना कुछ लिखें और भारतीय सेना के शौर्य और हौसले को बढ़ाते रहें, क्योंकि नाजुक हालत है। उस नाजुक हालत में सेना का सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।